अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना शामिल खान। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी और मजे की सरप्राइज लेके आया हूँ। और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने लगे। छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। इज अ वेरी बिजी स्टार एंड ब्रिलियंट एक्टर एंड वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मर्स इन पाकिस्तान। मतलब वो तारीफ जितनी करें उनकी कम है, और हम सीखते रहते हैं उनसे। और उम्मीद है कि आपको भी उनका काम अच्छा लगता होगा। और अभी हम आपको मिलवाने लगे हैं जी, जरा कैमरा घुमा दें। अस्सलाम वालेकुम। जो तारीफों के फूल बांधे ना, ये आपके व्यूअर्स को बहुत डिसअपॉइंट करेगा। क्यों सलीम भाई? मैं दरमियाने दर्जे का आदमी और दरमियाने दर्जे का अदाकार हूँ। आपने इतनी लंबी तकलीफ बांधी। नहीं सर, बस अपना काम ईमानदारी से करने की। बिल्कुल, यही तो चीज होती है। और अल्लाह मियां ने कहा है ना कि झुके हुए फल दरख्त को फल लगता है। तो आप इसी तरह ही डाउन टू अर्थ और बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, मैं एक चीज, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपने दूसरे सेट पे भी जाना है। तो ये है सीन के मुझे ये बताएं कि हमारी 40s, 50s, 60s में जो ये फिल्में बन रही थी, 70s, 80s, 90s तक भी और 2000 तक भी हमारी जो फिल्म्स बन रही थी, और हमारा जो टेक्निकली उसमें देखा जाए और डायरेक्टर वाइज देखा जाए, एक्टिंग वाइज देखा जाए, तो मतलब बड़ा कमाल काम होता था। तो अब उसके बरक्स अगर हम अब देखें तो हमारे पास टेक्निकली भी हम बहुत साउंड हैं। जिसे कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, और मतलब लोकेशन सारी चीज़ें मिला के मतलब उससे बहुत 100 times बेहतर हैं। तो क्या वजह है कि अभी हमारी फिल्म्स नहीं, पाकिस्तान की जो फिल्म्स हैं उनमें डाउनफॉल जा रहा है? तो व्हाट्स द रीज़न? डाउनफॉल, देखें, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। 50s की आपने जिक्र किया, 60s, 70s, हर एरा में चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी ज़माने में मोहम्मद अली साहब अदाकारी करते थे और लोग उनको देख के एक्टर, अदाकार या हीरो बनते थे। फिर वही साहब का दौर आया, फिर बेग साहब का दौर आया, फिर इस तरह दूसरे सुल्तान राई साहब का दौर चलता रहा, मुनव्वर फरीद साहब का। सबका अपना अपना जॉनरा था, सब अपने अपने काम करते थे और वो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस चलता रहता था। उसमें अच्छा काम भी होता था, बुरा भी होता था, अच्छा म्यूज़िक भी होता था। हम कॉपीज़ भी करते थे अपने इंडियन फिल्म्स की, और कई दफ़ा अच्छी कॉपीज़ करते थे, कभी वो हमारी कॉपीज़ करते थे। वो प्रोसेस चल रहा था। फिर दुनिया में हर चीज़ में चेंज आता है। PTV में ड्रामे बनते थे, हम उनको बहुत कदर की निगाह से देखते थे। फिर प्राइवेट प्रोडक्शन आई और बहुत ज़्यादा बहुतात में ड्रामे बनने लग गए। अब अगर एक 50 साल के आदमी से या पुराने ड्रामे देखने वाले से आप पूछेंगे तो कहेंगे PTV का क्या ड्रामा होता था, आजकल के ड्रामे तो बहुत बेकार, मज़े के नहीं लगते। यही अगर एक इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में कहीं बैठा हुआ आदमी होता है तो उसको हमारा जो थोड़ा सा लो ड्रामा भी होता है ना, जो हम जिसको हम इतना नहीं करदानते कि अच्छा होगा, वो उनको भी कदर की निगाह से देखते हैं, उनके लिए वो भी चीज़ अच्छी लगती है। तो जो डेवलपमेंट होती है ना, मुझे लगता है उसके प्रोसेस में, और वो लंबा हो गया है। लेकिन वक्तन फवक्तन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हम लोगों ने इस पिछले 15-20 सालों में दिए, खुदा के लिए, बोल, मौला जट, डिफाइन ट्रबल, या हुमायूं की जितनी भी फिल्म हैं, नबील कुरैशी की फिल्म है, यासिर नवाज की फिल्म है, बजात रोक की फिल्म है। नहीं तो उनका कोई अलहदा क्राइटेरिया है बनाने का? क्राइटेरिया कोई नहीं है। मेरा ख्याल है क्राइटेरिया कोई नहीं है। फिल्म आपको अपने लिए नहीं बनानी चाहिए, फिल्म आपको देखने वाले के लिए बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब मोस्टली वो जो ज़्यादा फिल्में बन रही हैं और एक एक राइटर, एक एक प्रोड्यूसर, एक एक डायरेक्टर एक फिल्म बना के उसके बाद, जैसे नहीं वो आप सिपाही होते हैं और आते हैं, लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, वो वाला अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोसेस में रहना चाहिए। जैसे मेरी अभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया को छोड़ के, और उनकी प्रोग्रेस मुझे नज़र आती है। मतलब नबील कुरैशी एक नया डायरेक्टर था नामालूम में, आज वो एक मंजा हुआ कामयाब डायरेक्टर है। यासिर नवाज, वजाद रऊफ अभी 4th-5th फिल्म कर रहे हैं दगाबाज दिन। तो ये सारा कामयाबी की सनद ही है ना कि उनको दूसरी, तीसरी, चौथी फिल्म बना रहे। बीच में ऐसे काम आ जाते हैं हमारी फिल्म्स के जो ऑडियंस को दूर कर देते हैं, क्योंकि ऑडियंस 1000 रुपये का टिकट लेके अपने बच्चों के साथ सिनेमा जाएगी, और अगर उसको पूरा पैकेज नहीं मिलेगा, पूरा कोई एंटरटेनमेंट देखना चाहता है, कोई म्यूज़िक देखना चाहता है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहता है, वो उस नियत से जाता है, और उसको जब
पैकेज का चेहरा अलग होता है, अंदर चीज़ें दूसरी होती हैं, तो वो डिसअपॉइंट होता है। उससे हमारी ऑडियंस जो है ना, मुझे लगता है कि दूर हो जाती है। लेकिन अगर मौलाजट की मिसाल दें, वार की मिसाल दें, बोल की मिसाल दें, खुदा के लिए की मिसाल दें, तो इनको किसी चीज़ ने, ना मुल्क की हालात ने, ना क्रिकेट मैच ने, ना इलेक्शन ने, किसी चीज़, कोई भी चीज़ इनके बिजनेस को रोक नहीं सकती। इसका मतलब यह कि आपकी प्रोडक्ट में वो जान होनी चाहिए, कंटेंट, आपके कंटेंट, आपकी परफॉर्मेंस, हर चीज़। अब हम ड्रामा बनाते हैं, डेली बेसिस पर ड्रामा बनाते हैं, लेकिन हम कोई पासिंग का सीन भी अगर गाड़ी में भी शामिल खान गुजर रहा है या मैं गुजर रहा हूँ या कोई एक्टर गुजर रहा है, तो उसको आप गुजार नहीं सकते। उसको आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा, डे लाइट में, शाम की लाइट में, सुबह की लाइट में, रात में, दिन में, उसकी सारे लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे। और अब मोबाइल लोगों के हाथ में, करोड़ों की चीज़ आप 15 मिनट में देख के फैसला कर लेते हैं अच्छा है बुरा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वक्त चेंज होता है ना, तो आपकी सोच भी फास्ट हो जाती है। अब आपको पुराने म्यूजिक को रीमिक्स करके वही गाने हिट हो रहे हैं जो 20 साल पुराने थे। अच्छा सलीम भाई, थैंक यू सो मच। ये सारे, ये देखिए, ये इतने बंदे जो है ना, ये सब खड़े हुए हैं और ये अच्छी बात नहीं सुनना चाहते। और दूसरी एक बात, जो शख्स इस वक्त मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उसका नाम शामिल खान है।